तो तुम लोग के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद एफएफआईसी के ऊपर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना ही देते हैं कि इस कम टाइम के अंदर तुम किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रख सकते हो और किन चीजों के ऊपर तुम्हें काम करनी चाहिए। देखो जरूरी नहीं है कि तुमने पिछली बार एफएफआईसी के अंदर क्वालिफाई करने के लिए जो जो स्ट्रेटजीज वगैरह जो भी यहाँ पे तौर तरीके लगाए थे उन्हीं सेम तौर तरीकों को लगा के तुम दोबारा से एफएफआईसी क्वालिफाई कर लोगे या फिर तुम अच्छा परफॉर्म कर लोगे या फिर तुम अच्छा पॉइंट गेन कर लोगे। काफी सारी चीजें हैं जो तुम्हें रिलेटेबल रखनी पड़ेंगे और काफी सारी ऐसे भी चीजें हैं जो तुम्हें नए तरीके से एक्वायर करना पड़ेगा। सो हे गाइस, हाय, दिस इज ऑन स्पॉट एंड आपका स्वागत है आज किस वीडियो के अंदर। सो आज का लाइक हम रखते हैं, हम 2000 लाइक्स का बिना तरीके वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज जो रहने वाली है इस बार की है कैरेक्टर एबिलिटी। नो डाउट ये चीज तुम्हारे गेम प्ले को कितना बढ़िया कर सकती है और कितना बिगाड़ भी सकती है ये चीज तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। हाल ही में मैं इंडोनेशिया एक टूर्नामेंट देख रहा था एंड उसके अंदर मुझे एक पॉइंट टेबल नजर आया जो कि हमारे पॉइंट टेबल से थोड़ा अलग है। तो इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें इसके बारे में पता है कि क्या हमारा पॉइंट सिस्टम चेंज हुआ है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं पता तो कहना कि शायद ऐसा हो सकता है कि इस बार का पॉइंट सिस्टम चेंज हो सकता है। खैर टॉपिक के ऊपर आगे बढ़, इस 1.5 साल के बैन पीरियड के अंदर काफी सारे बड़े बड़े टीम्स, तुम T1 की बात करो, T2 की बात करो, T3 की बात करो, डॉक्स की बात करो, सबके टीम के अंदर चेंजेस आए ही आए हैं। चाहे तुम सब्स्टिट्यूट्स की बात करो, चाहे तुम मेन लाइनअप की बात करो, कहीं ना कहीं तुम्हें चेंजेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। काफी सारे ऑर्क्स गए हैं, काफी सारे नए ऑर्क्स आए हैं और साथ ही साथ काफी सारे प्लेयर्स टीम चेंज करे भी हैं और इस बीच काफी सारे प्लेयर्स ने स्पोर्ट्स छोड़ भी दिया था, गेम से कहीं ना कहीं अपना हाथ उठा लिया था, तो कहीं ना कहीं उनके तरफ से भी हमें कमबैक देखने को मिलने वाला। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो नए टीम्स, जो अलग अलग टीम के अलग अलग प्लेयर जो नए नए टीम के अंदर गए हैं उनके अंदर क्या हमें सेम लेवल की कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा फिर, इस बात का हमें अभी तक कोई भी अंदाजा नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तुम्हें एक सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे कौन सी टीम किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, लेकिन उनके परफॉर्मेंस को तुम्हारे एफएफआईसी क्वालिफायर्स के अंदर ध्यान में नहीं रखना है, बिकॉज जिस लॉबी में वो खेलने वाले हैं उसी लॉबी में उसी सेम टाइम के अंदर तुम भी खेलने वाले। लेकिन एक चीज है, जबकि वो T1 या फिर T2 लेवल पे थे तो उनको कहना है कि प्रॉपर लॉबी मिल रहा था प्रैक्टिस के लिए, उनके पास मैनेजर्स वगैरह थे जो उनको सही से स्लॉट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, जो उनको सही से मैचेस पर डे प्रोवाइड करते थे, तो उनकी कहना कि ग्राइंडिंग चल रही थी। और दूसरी तरफ तुम जो कभी 15 रुपए के स्क्रिम्स खेल लिया, 20 रुपए के स्क्रिम्स खेल लिया, फिर 50 रुपए के कोई पेड स्क्रीम और खेल लिया, या फिर कोई 10-20 हजार के टूर्नामेंट के क्वालिफायर्स या फिर ग्रैंड फाइनल तक चले भी गए, तब भी कभार सबसे पहली चीज जो तुम्हें अपनी टीम के लिए ध्यान में रखनी है वो है कोऑर्डिनेशन। अब इस चीज के ऊपर मैंने बहुत दिन पहले वीडियो बनाया था ताकि वहां पे तुम्हें पता चल सके कि कोऑर्डिनेशन को कैसे इंप्रूव करते हैं, कोऑर्डिनेशन के ऊपर कैसे काम करते हैं। चाहो तो तुम उन वीडियोस को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है ना भाई, तुम कोई 10 मिनट की वीडियो देखोगे, 5 मिनट की वीडियो देख लोगे, 1 घंटे का भी सेशन देख लोगे, तब भी वो इंप्रूव नहीं होने वाला, या फिर तब भी तुम उसके ऊपर हमें मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। अब ये चीज को अगर तुम्हें इंप्रूव करना है वो हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, वो है कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने से। जितना ज्यादा तुम गेम के अंदर गेम को लेके कन्वर्सेशन करोगे, जितना ज्यादा तुम कम्युनिकेशन बिल्डअप करोगे, उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन तुम्हारा सही बनता जाएगा, ताकि तुम चीजों को सही कॉल आउट के साथ सही चीजों को रिलेट करके सही एक्शन शोकेस कर पाओ। अब तुम अगर अपने टीम से अगर माइक नहीं खोलते तो फिर कोऑर्डिनेशन कहीं मात चुदा है। यहाँ पे अगर तुम्हारा फैमिली प्रेशर है या फिर तुम घर पे हो, घर पे माइक नहीं खोल सकते या फिर ऐसा सीन है, तो फिर भाई भूल जाओ, तुम्हारे लिए ये टूर्नामेंट्स वगैरह ये सब नहीं बने भाई। गेम के अंदर माइक का ऑप्शन इसलिए दिया गया है ताकि तुम बात कर सको, ताकि तुम कोऑर्डिनेट कर पाओ। तुम मुझे एक टीम बता दो, तुम मुझे ऐसा एक टीम बता दो जो अगर प्रैक्टिस स्क्रिम्स भी खेलती है वहां पे भी माइक नहीं खोलती है। कोई भी टीम लाइव स्ट्रीम में खेल रही हो, कोई भी बड़ी से बड़ी टीम मान लो, कोई भी छोटी से छोटी टीम मान लो, अगर कोई लाइव पे खेल रहा है, तुम देखना या तो वो पैरेलल पे होंगे, या तो वो कॉल पे होंगे, या फिर दूसरे फोन के कॉल पे होंगे, या फिर डिस्कॉर्ड पे होंगे, या फिर वो गेम के अंदर ही अपना कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे होंगे। बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन इसको भी अभी के टाइम पे अच्छे अच्छे प्लेयर इसको इग्नोर कर रहे हैं। अच्छे मतलब मैं अंडरडॉग्स में अच्छे की बात कर रहा हूँ। देखो भाई, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है ना जो थ्रू आउट द टाइम बिल्डअप होता है। ये चीज ना समय मांगता है, जितना ज्यादा तुम टाइम इस पे इन्वेस्ट करते रहोगे, जितना ज्यादा टाइम इस चीज को तुम देते रहोगे, उतना ज्यादा बेहतर और बढ़िया ये चीज बनता जाएगा। देखो फंडामेंटल चीजों की बात करें ना तो 3 चीजें हैं, कोऑर्डिनेशन, सिनर्जी एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस करोगे, जितना ज्यादा आप गेम को एक्सप्लोर करोगे, जितना ज्यादा आप टूर्नामेंट्स के अंदर अपने आप को झोंकोगे, तो उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस तुम्हें आती जाएगी। तो दूसरी चीज आती है सिनर्जी। सिनर्जी मैं तुमको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। हाल ही में मैंने वीडियो नहीं देखा था, बस ऐसे एक कन्वर्सेशन सुना था। टीम ऑफिस के कैप्टन फौजी भाई कह रहे थे कि उनके पास अपनी टीम को जोन पकड़ाना होता है, बाकी चीजें वो खुद कर लेते हैं, उनको मारना आता है, बाकी चीजें उनके हाथों में रहता है। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी खासी सिनर्जी वहां पे तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तीसरी चीज आती है भाई तुम्हारी कोऑर्डिनेशन। तुम्हारे प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि भाई कौन से टाइम क्या करना है और अभी के टाइम पे दूसरा प्लेयर क्या कर रहा होगा या फिर अभी दूसरे प्लेयर का स्टेप क्या होगा। तो सिचुएशन के हिसाब से एज ए टीम सबको फंडामेंटली चीजें पता होनी चाहिए कि यहां पे अगला स्टेप हमारी टीम के इस प्लेयर का क्या हो सकता है या फिर क्या हम आगे करने वाले हैं।
सिमल्टेनियसली। अब बात रही भाई गेम प्ले की, गेम प्ले थ्रू आउट द टाइम सुधर ही जाता है और वही तो मेन चीज है जिसपे तुम्हें काम करनी है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें इन फंडामेंटल चीजों के ऊपर काम करनी है ताकि तुम्हारा टीम ओवर पावर हो सके। देखो एफपीआईसी क्वालिफायर्स के लिए टाइम बहुत कम है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि जितना ज्यादा टाइम हो सके उतना ज्यादा टाइम अपने टीममेट्स के साथ बिताओ। इन द सेंस कि भाई कमरे में रहने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जितना टाइम तुम गेम के अंदर ऑनलाइन आते हो, चाहे तुम दिन के 10 गेम खेल रहे हो, चाहे तुम दिन के 15 गेम खेल रहे हो, चाहे तुम कितना भी गेम खेल रहे हो भाई, ट्राई करो सारे के सारे मैचेस तुम अपने टीममेट्स के साथ ही बिताओ, सारे के सारे गेम्स तुम अपने टीममेट्स के साथ ही खेलो। भले ही तुम्हारा एक टीममेट ऑनलाइन आया हो तब भी तुम ट्राई करो कि सिर्फ और सिर्फ तुम और वो मिलकर खेलो, चाहे तुम बीआर रैंक जा रहे हो, तू भी फोर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो बाकी बंदों को तुम्हारे स्क्वाड से अलग रखने का। एंड इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई देखो टाइम कम है और अगर तुम इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करोगे टूर्नामेंट्स, या फिर टूर्नामेंट हो गया, स्क्रीम्स हो गया, बीआर रैंक, किसी भी मोड में ले लो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो कोऑर्डिनेशन है वो उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा नहीं। और साथ ही साथ अपने गलतियों को खुद पहचानना चालू करो कि तुम्हारी गलती कहां पे गई। ठीक है, गेम के अंदर मस्ती वगैरह करना अभी के लिए बंद कर दो क्योंकि अब टाइम नहीं है भाई उस चीज का, तुम्हारी गलती कहां पे हुई। और एक चीज ध्यान में रखना कि अगर तुम एलिमिनेट होते हो, नो डाउट अभी के टाइम पे भाई रिवाइवल के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे यहां पे मेथड्स आ गए, रिवाइवल के रिवाइवल पॉइंट हो गया, फिर तुम्हारा नॉर्मल रिवाइव हो गया, फिर एडवांस रिवाइव हो गया, फिर सोलो डेयर हो गया, लाइक एक बंदे के पास टोकन भी नहीं होगा ना तो भी वो रिवाइव कर देता है अपने प्लेयर्स को। तो कहीं ना कहीं ये चीज है जितना ज्यादा फायदेमंद है उतना ज्यादा नुकसानदायक भी है। ऐसा क्यों? अगर तुम एक प्लेयर को गवाते हो, अगर चलो ठीक है एक बंदा तुम्हारी टीम का सोलो बचा है और वो सोलो डेयर यूज करके वो रिवाइव कर रहा है, तुम्हारी टीम खुश है कि चलो सोलो डेयर से उसने रिवाइव कर दिया, लेकिन तुम ये भी देखो ना कि तुमने सामने बंदों को 3 पॉइंट ऑलरेडी दे दिया है और तुम जितनी बार गेम में मरोगे उतनी बार पॉइंट तुम सामने वाले को दे रहे हो। अब देखो रिवाइवल पॉइंट गेम के अंदर है, मतलब दैट डजंट मीन कि तुम जितनी बार चाहे उतनी बार मर सकते हो, जितनी बार चाहे तुम्हारे टीममेट तुमको रिकॉल कर लेंगे, मजाक थोड़ी चल रहा है भाई यहां पे। देखो कैरेक्टर एबिलिटीज को लेकर तुम्हारा एक भ्रम तोड़ता हूं अभी। जो कैरेक्टर एबिलिटीज तुम्हें लगानी है वो जरूरी नहीं सिर्फ तुम्हारे रोल के हिसाब से लगे, बल्कि उस बात से भी फर्क पड़ना चाहिए कि ये कैरेक्टर एबिलिटी जो तुम अभी के लिए यूज कर रहे हो अपने रोल के हिसाब से, क्या ये तुम्हारे टीम को भी किसी भी तरीके से हेल्प आउट कर रही है। बिल्कुल किसी भी तरीके से अगर तुम्हारे टीम को ये कैरेक्टर एबिलिटीज हेल्प आउट कर रही है, तो उसके साथ ही साथ ये भी देखना है कि तुम्हारे लिए वो कैरेक्टर एबिलिटीज भी सही हो। अब ऐसा नहीं कि तुम अगर स्नाइपर हो तो कहना कि रशर का एबिलिटी लगा के पूरा देख रहे हो कि हाँ ये तो मेरे टीम को सपोर्ट कर रही है कैरेक्टर एबिलिटी, उस टाइप का नहीं है, जो साइमल्टेनियसली तुम्हें भी हेल्प आउट करता हो साथ ही साथ तुम्हारे टीम को भी उसका फायदा मिले, वैसे कैरेक्टर एबिलिटीज की जो कॉम्बिनेशन है वो तुम्हें लेके चलनी है। चाहे तुम इंटरनेशनली कोई भी टीम को देख लो, वो सभी के सभी इसी चीज को फॉलो करते हैं और इसी के पैटर्न में ही चलते हैं। और जो मैंने तुम्हें कैरेक्टर एबिलिटीज वाली वीडियो बनाने की बात करी, वो वीडियो के अंदर भी मैं तुम्हें सिमिलरली उसी टाइप के कॉम्बिनेशन के बारे में ही बताऊंगा। वैसे ये बात तुम्हें पहले भी बता दी कि भाई अगर तुम्हें क्वालिफाई करना है, टॉप 48 के अंदर आना है, या फिर अगर इस बार कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले, चलो हम अभी के लिए ना टॉप 48 मान के चलते हैं, भाई अगर तुम्हें उस वाली कैटेगरी के अंदर आना है तो तुम्हें पर मैच 30 बॉम्बर लगाना ही पड़ेगा। एक और चीज मैंने पहले भी बता रखा है, ये दिमाग में डाल के रखो कि भाई एग्रेसिवनेस ही दिखाना है, एकदम मार के खेलना है, पेल के खेलना है, पैसिव गेम प्ले, कैंप हो गया, सर्वाइविंग हो गया, ये करने बैठोगे तो भाई गेम दया समझो। एफपीआईसी क्वालिफायर के लिए बहुत कम दिन बचे, तो इस कम दिन के पीरियड में मैं नहीं चाहता कि तुम कोई नया चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाओ, या फिर कोई नया प्लेयर तुम्हारी टीम के अंदर यहाँ पे चेंजेस करो, लाइनअप के अंदर अगर तुम चेंजेस करना चाहते हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें चेंजेस करने चाहिए, जैसा चल रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने की ट्राई करो। अभी के टाइम में बंदे ये भी कर सकते हैं कि बाहर के टूर्नामेंट देखेंगे, वो जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज प्लान अप करते हैं, जिस तरीके से अपने कैरेक्टर एबिलिटीज फॉलो करते हैं, उन चीजों को एक्वायर करने की ट्राई करेंगे हमारे बंदे, लेकिन उन चीजों को मैं अभी के लिए तुम्हें कहूंगा कि भाई उन चीजों को मत देखना अभी कुछ दिन के लिए, जब तक एफपीआईसी क्वालिफाई तुम ना हो जाओ या फिर खत्म ना हो जाए, क्योंकि अभी नई चीजें सीख के उनको एक्वायर करके उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाना पॉसिबल तो है, लेकिन तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है। तो जैसा चल रहा है उसके ऊपर बढ़िया तरीके से काम करो, अपने गेम प्ले में 100% देने की ट्राई करो, एंड जैसे मैंने बोला मार के खेलो पहले तो बस, और क्या, इतनी चीजों को ध्यान में रखो। और बाकी अगर कैरेक्टर एबिलिटीज या फिर किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, और वैसे भी मैं रशर वाले वीडियो पे काम कर रहा हूं तो वो भी जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, लाइक एंड कंप्लीट कर लेना, तो मैं मिलता हूं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।